एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आई एम श्योर आप उनके पास गए होंगे कि आप बिहार का जो स्पेशल पैकेज था वो दे दीजिए, तो उन्होंने क्या बोला आपको? कई बार हमने ही नहीं, हमारे जो चाचा हैं जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, कई बार उन्होंने भी मांग की। खास तौर पे हम लोगों का तो शुरू से ही रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग तो उन्होंने भी की, हमने भी की, लेकिन अब तक नहीं मिला। और बात है कि उन्होंने घोषणा भी की, अपने मुंह से तो मना नहीं किया, लेकिन जब पार्लियामेंट में ये बात आती है तो उनके मंत्री मना कर देते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है नहीं मिलेगी। वो जो आपका आयोग है उसका जिक्र करते हैं कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन एक बात बताइए, इसको तो आप मानेंगे ना कि चाहे वो इंडिया की जीडीपी हो उसको उन्होंने बढ़ाया, चाहे आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और टारगेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड की नंबर 3 की इकोनॉमी हो जाएगी। जी जब 14 में हटे थे तो इकोनॉमी और जीडीपी क्या थी, अगर आप उससे कंपेयर करें, फूड इंडेक्स में इंडिया का है बहुत, लेकिन देशों से भी हम पीछे हैं। जी, लेकिन वो हमारा पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है कि अगर वो उस तो हमेशा से सदैव तो मेरा यही सवाल है कि आप फूड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देख ले तो एक लाभार्थी योजना जो घर घर में अनाज पहुंचाने की योजना, फूड सिक्योरिटी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? बिल इंट्रोड्यूस होना और एग्जीक्यूट होना, एग्जीक्यूट होना और इस लेवल पर एजुकेशन कब मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन कब मिला, राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल के तहत ही, बस नाम बदल देने से कुछ योजना देखिए पास तो उसी टाइम हुआ ना। पास होना एक चीज है और किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना पहले दूसरी चीज है। हम भी छोटे से देखते रहे, हमारे कई लोगों से मिलना जुलना शुरू से ही रहा है। पहले बिहार में किरासन तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, अनाज भी मिलता था। आप तो बिहार की हैं, बताइए कि राशन तेल मिलता था कि नहीं मिलता था, पहले अनाज मिलता था कि नहीं मिलता था, चीनी मिलता था कि नहीं मिलता था, सब तो मिलता ही था। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहते हैं हमने गरीबी ख़त्म की, तो आप 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों बांट रहे हो? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? अगर आप कह रहे हैं जीडीपी इकॉनमी बूम कर रही है, तो आप 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों बांट रहे फिर? ये तो सवाल खड़ा होता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर जी का कैलकुलेशन चाहे जीडीपी को लेकर के हो, इकोनॉमी को लेकर के, वो अलग ही थ्योरी, अपना अलग फॉर्मूला वो लगाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में गरीबी बढ़ी है, ये जो है असल मुद्दे हैं। और प्रधानमंत्री जी 14 से पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को कोसते थे। गैस सिलेंडर की बात करते तो पहले 400 में वो कहते थे भैया वोट देने जाना तो नमस्कार करके जाना, आज आप ही बता दीजिए 1200-1400 सिलेंडर तो है लेकिन गैस भराने का हमारे गरीबों के पास पैसा नहीं है।